हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ आपके पर्सन के मैसेजेस लेकर। अभी इस वक्त आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, ये हम इस रीडिंग में डेली देखते हैं। तो आज मैं अल्फ़ाबेट रीडिंग करूँगी, तो आपको कैसे देखना है, आपके पार्टनर के नाम का पहला अक्षर कौन सा नाम, जिस नाम से वो बाहर जाने जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स पर जो नाम है, जिस नाम से वो बाहर जाने जाते हैं, उस नाम के पहले अक्षर से आपको ये वीडियो देखना है, ठीक है। आपके पर्सन के नाम का पहला अक्षर, तो इसका मैं दो पाइल क्रिएट करूँगी। यहाँ पर ए से जेड तक सभी अल्फ़ाबेट्स हैं, मैं रैंडमली दो पाइल क्रिएट करूँगी। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, जिन भी व्यूवर्स को पाइल वन में मैसेजेस मिलने वाले हैं उनकी अलग पाइल बनाएं, और जिन व्यूवर्स को पाइल टू में मैसेजेस मिलने वाले हैं उनकी अलग। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, ये पाइल टू है, ये पाइल वन है, ठीक है, ओके। तो ये है पाइल टू, यहाँ रख रही हूँ, और ये है पाइल वन। देखते हैं कौन कौन से अल्फ़ाबेट हैं पाइल वन में। पाइल वन में सबसे पहला है अल्फ़ाबेट जो कि है एन, वी हैव बी, क्यू, सी, ई, पी, ओ, जेड, के, एक्स और जे। तो आपके पर्सन का नाम का पहला अक्षर अगर इन अल्फ़ाबेट्स में से है, तो देखते हैं क्या मैसेजेस निकल कर आते हैं, आपके पर्सन अभी इस वक्त क्या मैसेज देना चाहते हैं, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है पाइल वन के लिए लव। तो सबसे पहला मैसेज जो ये है कि आपके पर्सन प्यार बहुत करते हैं आपसे, तो ये बात तो श्योर है। बाकी कार्ड्स भी देखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो मैसेजेस निकल कर आए हैं, आप में से कुछ लोगों के पर्सन जो है ना, हो सकता है कि जब आपसे मिले हों तब बिल्कुल डिफरेंट एनर्जी के रहे होंगे, और अब इनके अंदर काफ़ी चेंजेस आपको दिखे होंगे। जैसे पहले कुछ लोग अगर बहुत ज़्यादा फ्री माइंडेड हैं, फ्लर्टी स्वभाव हो सकता है, या बिल्कुल भी सीरियसनेस नहीं होगी, या इमेच्योर बिहेवियर होगा, छोटी छोटी बातों पे झगड़ा कर लेना, छोटी छोटी बातों पर ब्लॉक कर देना, छोटी छोटी बातों पर ईगो की वजह से क्लैशेस हो जाना, या रिलेशनशिप में सीरियस ना होना, ठीक है। उन्हें ऐसा लगना कि यार प्यार वार कुछ नहीं होता, बस टाइम पास करो, मज़े करो और आगे बढ़ो, तो इस तरह की भावनाएँ हो सकती हैं कि आपके पर्सन की एनर्जी में पहले रही हो, बट अब इनके अंदर इन्होंने काफ़ी चेंजेस लेकर आए हैं। इनकी एनर्जी में चीज़ें नज़र आ रही हैं कि इन्होंने अपने आप को बहुत बहुत ढाला है आपके अनुसार। तो अगर आपके पर्सन इस सिचुएशन में हैं, इस एनर्जी में हैं कि इन्होंने अपने आप में बहुत चेंजेस लेकर आए हैं, तो इनका मैसेज आपके लिए क्लियर है कि इन्होंने आपकी वजह से ख़ुद को काफ़ी चेंज किया है। लेकिन हो सकता है या तो इनके चेंजेस को आप अप्रिशिएट करते हैं, ये भी हो सकता है कि आपके लिए ये चेंजेस कोई मायने नहीं रखते, आप अभी भी इनसे कोई ना कोई शिकायतें करते हैं, जिसकी वजह से आपके पर्सन थोड़ा सा दुखी हैं। इनको ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हारी वजह से अपने आप को इतना बदला और तुमको फिर भी कोई मत वो नहीं है, तुमको रिस्पेक्ट नहीं है उस चीज़ की। सेकेंड मैसेज यहाँ पर जो है वो कुछ लोगों के लिए है जिनके पर्सन बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हैं। मटेरियलिस्टिक, कई लोग पूछते हैं मैम क्या है मटेरियलिस्टिक, है जो 3D में अटका हो, जैसे 3D में, 3D मतलब हमारा अर्थ प्लैनेट। अर्थ प्लैनेट पे अटके रहने के लिए आपको क्या चाहिए, ज़मीन चाहिए, खाना चाहिए, रोटी, कपड़ा, मकान, बेसिक नेसेसिटी, प्लस इतना मिल जाने के बाद भी आपकी इच्छाएं ख़त्म नहीं होती। आपको ऐसा लगता है कि एक 1 BHK का घर है तो 3 BHK ले लें, 3 BHK का हो जाए तो बंगलो ले लें, बंगलो हो जाए तो बड़ा प्लॉट ले लें, महल बनवा लें, और एक गाड़ी ले लिया, एक गाड़ी से संतुष्टि नहीं हुआ, दूसरी गाड़ी ले लिया, ये वाला मोबाइल लिया, इससे अच्छा अपडेटेड वर्जन आ गया, दूसरा मोबाइल चाहिए। ये जो सारी चीज़ें हैं, दीज आर कॉल्ड मटेरियलिस्टिक नीड्स। इंसान को जो नीड होती है, अगर इंसान की नीड, देखिए पहली बात तो इंसान कभी सेटिस्फाई हो नहीं सकता,
ठीक है, जब तक वो अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं करेगा वो सेटिस्फाई नहीं हो सकता। तो यहाँ पर आपके बहुत सारे लोगों के पर्सन ऐसी एनर्जी में हैं जो डिस्टॉर्टेड हैं, जिनकी एनर्जी पूरी तरह से बैलेंस नहीं है, या तो इमोशनली डिस्टॉर्टेड हैं, उनके इमोशंस आउट ऑफ कंट्रोल हैं, कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा कर देंगे, कभी बहुत ज़्यादा प्यार दिखा देंगे, मूड स्विंग्स हो सकते हैं, या तो फिर इनकी नीड्स कंट्रोलेबल नहीं है। तो हो सकता है कि ये अपनी नीड्स, अपनी जो भी इनकी इच्छाएँ हैं उनके पीछे ऐसा भागते हैं कि इनको आपकी कोई कदर नहीं होती। हो सकता है कि आप वेट करते रह जाते हो, ये आपको महीनों महीनों बाद कॉल करते हो, मैसेज करते हो, आपको पूछने पर बस इतना ही जवाब दे देते हो कि यार मैं बिज़ी था, या मेरे पास टाइम नहीं था, या मैं बहुत काम कर रहा था या कर रही थी, लाइफ में और भी चीज़ें हैं करने के लिए। तो इवन आपको भी हो सकता है ये सुना देते हो कि यार तुम कुछ करो, तुम क्यों बैठे हुए हो, या तुम्हारा दिमाग खाली, दिमाग शैतान का घर, तो इस तरह की बातें। तो इस तरह के मैसेजेस भी हैं कुछ लोगों के पर्सन के। देखिए गाइज, ये जो रीडिंग होती है इसमें मैं एक्चुअली उनके माइंड को रीड करके आपको वही बताऊंगी जो उनके माइंड में है। मैं ज़रूरी शुगर कोट नहीं करूंगी कि बहुत अच्छा अच्छा है, तो जो निकल कर आएगा वो आप लीजिएगा। अगर आपके पर्सन को ऐसी एनर्जी नहीं है आपके पर्सन की, तो आप इस मैसेज को मत लीजिएगा, बट जिसके लिए होगा उस तक पहुँचना है, इसलिए मैं सारे मैसेजेस As it is decode करके बताती हूँ। Next, यहाँ पर कुछ लोगों के person का ये message है कि इनको आपसे ये शिकायत है कि आप बहुत ज़्यादा materialistic हो। हो सकता है ये बहुत ज़्यादा grounded हो, लेकिन आप बहुत ज़्यादा, आपके लिए पैसा बहुत important है, आपके लिए रहन सहन बहुत important है, एक अच्छी lifestyle आपके लिए बहुत important है, या आपके लिए बहुत ज़्यादा खर्च करना dresses पे, अपने ऊपर आपकी नीड्स जो हैं बहुत ज़्यादा है। तो कई बार हो सकता है कि आपके पर्सन का ये मैसेज हो सकता है कि इस वजह से इन्हें ऐसा लगता है कि शायद ये आपकी नीड्स को फुलफ़िल ना कर पाएँ, या ये आपके लिए एक राइट पार्टनर नहीं है, जिसके डर की वजह से ये पीछे हट जाती हैं या हट जाते हैं। ठीक है, या आप दोनों में कुछ ऐसे डिफरेंसेस हैं रिलेटेड विद स्टैंडर्ड। ठीक है, हो सकता है कोई एक मिडिल क्लास हो या लोअर मिडिल क्लास हो, और कोई एक अपर क्लास से बिलोंग करता हो या करती हो। ये भी मैसेज है जिसकी वजह से थोड़े से क्लैशेस हो रहे हैं, चीज़ें दूर जाने की रीजंस यहाँ पर दिख रहे हैं, और उनकी क्लैरिटी यहाँ पर निकल कर आ रही है, जो वो आपसे कहते नहीं हैं डायरेक्टली बट उनके माइंड में है। नेक्स्ट, यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों के पर्सन का ये भी मैसेज है कि इन्होंने लाइफ में बहुत मुश्किल हालात देखे हैं, बट इनकी लाइफ में जब भी मुश्किल हालात आते हैं उसके बाद सूर्य की रोशनी इन तक ज़रूर पहुँचती है। इनकी लाइफ में आप एक उजाले की तरह आए हो, इनके बुरे वक्त में आपने इनका बहुत साथ दिया है, और इस चीज़ के लिए आपके पर्सन आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। तो अगर आपके पर्सन का आपने इस तरीके से साथ निभाया है उनके बुरे वक्त में, सेरेंडिपिटी की एनर्जी है, इन्होंने सरेंडर किया हुआ है, इन्होंने अपने आप को भगवान को पूरी तरह से सौंप दिया है कि भगवान अब आप मेरी नैया पार कराओ, जहाँ भी आपको ले जाना है, जैसे भी ले जाना है। हो सकता है कि आप में से कई लोग एक दूसरे से प्यार बहुत करते हों, बट चीज़ें वहीं की वहीं रुकी हुई हैं, वहीं की वहीं स्टक हैं, जिस वजह से आपके पर्सन ने पूरी भागदौड़ अब भगवान के हाथ में दे दी है कि जो उनकी इच्छा होगी वो मुझे मंजूर होगा। नेक्स्ट मैसेज यहाँ पर है आप में से कुछ लोगों के पर्सन का कि आप ही हैं इनके पीस की वजह। अगर इनके ज़िंदगी में शांति है, अगर इनकी ज़िंदगी में इनर पीस है, तो उसका कारण आप है। ठीक है, ये आपसे बहुत बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, और आपसे बात करके, आपके बारे में सोच के, आपके बारे में इमेजिन करके ही इन्हें बहुत रिलीफ मिलता है। तो बॉटम ऑफ द डेक से वी हैव गॉट लव, तो डेफिनेटली आपके पर्सन अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, बंद है, तो यहाँ पर बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जिनको उनके पर्सन की तरफ से कॉल्स, मैसेजेस रिसीव हो सकते हैं, बहुत जल्द रिसीव हो सकते हैं। इवन आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एक दूसरे से अटैच्ड हैं, मे बी आप डिवाइन कनेक्शन में हो सकते हैं, सो यू आर डीलिंग विद योर काउंटर पार्ट, तो ये भी वाइब्रेशन यहाँ पर मौजूद है। तो ये थी गाइस पाइल नंबर 1, जिनके भी पार्टनर के नाम का फर्स्ट लेटर इस पाइल में है उनकी रीडिंग। होप आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिली होगी। वीडियो अगर आपके लिए इम्पॉर्टेंट रही हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो,
लाइक ज़रूर किया कीजिए, मुझे अच्छा लगता है अगर कोई अप्रिशिएट करता है मेहनत को, और अगर आपसे रेजोनेट हुई हो तो कमेंट ज़रूर किया कीजिए, ठीक है। देन शुरू करते हैं पाइल नंबर टू, देखते हैं जिन्होंने भी पाइल नंबर टू, इसके अलावा जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं सब पाइल टू में हैं गाइज, लगा देती हूँ। वी हैव एम, वी हैव एच, आई, आर, ए, वी हैव वाई, यहाँ पे एयर बन गया अपने आप, माही, रिया, एफ, डी, टी, यू, डब्लू, जी, एल, वी, ये सभी अल्फ़ाबेट्स, वी हैव एस, ये सभी अल्फ़ाबेट्स इस पाइल में हैं, ठीक है। सो अगर आपके पर्सन के नाम का फर्स्ट लेटर इस पाइल में है तो आइए देखते हैं कि आपके पर्सन के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए, आपके पर्सन के मैसेजेस क्या हैं। पहला ही कार्ड यिन एंड यांग, वाह क्या बात है। पाइल टू, बॉटम ऑफ द डेक है लाइफ पर्पस। आप लोग इस धरती पर, इस पाइल में ऐसे लोग आए हैं जो इस धरती पर टाइम पास के लिए तो नहीं आए हैं, इस पाइल में ऐसे लोग हैं जो इस धरती पर एक मिशन लेकर आए हैं। आपके पर्सन की एनर्जी से ये नज़र आ रहा है, उनको भी इस बात का एहसास है, हो रहा है अगर नहीं था तो। ओके, तो जिनकी भी है पाइल नंबर टू, अगर आपके पर्सन के नाम का फर्स्ट लेटर इस पाइल में है तो मैं बता दूं कि आपके पर्सन का जो पहला मैसेज है आपके लिए वो है मैनिफेस्टेशन। सबसे पहले यही कार्ड आया है विद इन्फिनिटी सिंबल। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि आपके पर्सन आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि इनके माइंड में, इनकी सोल में आपकी जो वाइब्रेशन है वो 24 घंटे विद्यमान है, 24 आवर्स आप इनके सबकॉन्शियस माइंड में रहती हो या रहते हो, ठीक है। और ये जो बंदा है या बंदी है, ये जाने अनजाने आपको सोच सोच कर अपने लाइफ में आपको क्रिएट कर रहे हैं, अपनी लाइफ में आपको ऐड कर रहे हैं। हो सकता है इनको ना पता हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ना पता हो ट्विन फ्लेम, ना पता हो सोलमेट, ना पता हो मैनिफेस्टेशन, कुछ ना पता हो, बट इंसान जब दिल से, आत्मा से, सोल से किसी के बारे में सोचता है, उसको अपने करीब फील कर पाता है तो वो चीज़ें यूनिवर्स तक चली जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पर्सन आपको याद बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, हमेशा ये चाहते हैं कि आपके करीब हों, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये आपके साथ अपनी रियलिटी को क्रिएट कर रहे हैं, ये चीज़ें हैं। देन वी हैव यिन एंड यांग, तो आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो एक दूसरे के साथ होकर बहुत पावरफुल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होने के लिए आए हैं। आपने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है, आपने अपनी लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, आपके पर्सन भी अपनी लाइफ में बहुत, एक तरह से कहा जाए तो डार्क नाइट ऑफ द सोल फेस कर रहे हैं या कर रही हैं। सन एंड मून की वाइब्रेशन है एक तरीके से, एक अगर रॉयल है, बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी को कैरी कर रहा है, डोमिनेटिंग है, उनकी जो एनर्जी है वो प्रोवाइडर की है, लोगों के लिए, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए काम कर रहा है, तो वहीं पर दूसरी जो एनर्जी है वो बहुत इंट्यूटिव है, बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, लोगों की भावनाओं की कद्र करना जानती है या जानता है। तो आप दोनों जब एक होंगे तो एक पावरफुल एनर्जी बनेंगे। तो इस तरह की एनर्जी है मैसेज में, ये चीज़ें निकल कर आ रही हैं कि आपके पर्सन भी उतना ही आपके साथ यूनाइट होना चाह रहे हैं और उन्हें भी उतनी साइंस सिंक्रोनिसिटीज़ दिख रही हैं, कुछ ना कुछ गाइडेंस उनको मिल रही है जो आपकी तरफ उनको एक मैग्नेट की तरह खींच कर लेकर आ रही है। नेक्स्ट, इनको भी ये एहसास हो रहा है कि आपके साथ
कुछ तो ऐसा बॉन्ड है जो बहुत डिवाइन है, बहुत ज़्यादा प्योरेस्ट फॉर्म में है, बहुत ही ज़्यादा अननेचुरल है, मिस्टिक है, बहुत ज़्यादा मिरेकुलस है। तो इनकी एनर्जी ये चीज़ों को फील कर पा रही है। और ये कैसे फील हो रहा है? जब कभी भी ये अपने आप को आपसे दूर खींचने की कोशिश करें, आपसे डिटैच होने की कोशिश करें, आपको नो कॉन्टैक्ट में डाल दें, ब्लॉक कर दें, आपको अपने आप को आपसे दूर करें, ये उससे ज़्यादा स्पीड से रिटर्न आते हैं आपकी तरफ। ठीक है, जैसे आप मैग्नेट को कभी आपने पकड़ा होगा, जैसे हम लोग तो अभी भी खेलते हैं, मेरी तो आदत है मैग्नेट्स के साथ खेलने की बचपन से, पता नहीं क्या एक मैग्नेट से अट्रैक्शन रहा है। तो मैग्नेट को ले लो और उसके बाद मैं क्या करती हूँ, टेबल के नीचे से घुमाती हूँ, ऊपर चीज़ें डांस करती हैं, मुझे बड़ा मज़ा आता है। या फिर उसकी जो एनर्जी होती है ना, जैसे एक मैग्नेट आप यहाँ पकड़ो और एक मैग्नेट यहाँ पकड़ो, तो उनकी वाइब्रेशन से आपका हाथ शेक करने लगेगा, वो इतनी तेज़ अट्रैक्ट होते हैं कि आपको दूर खींचने के लिए जान लगानी पड़ती है। तो ये अट्रैक्शन होता है। तो जब एक पर्सन दूसरे पर्सन से डिटैच होता है ना, तो वो और तेज़ आकर्षित होता है। तो ये तो इस जर्नी की खासियत है, चाहे आप डिवाइन कनेक्शन के साथ हो, स्पेशली सोलमेट के साथ हो या ट्विन फ्लेम के साथ हो, तो ये एक अट्रैक्शन आपके पास होता है कि कोई डोर खींच नहीं सकता, तोड़ नहीं सकता, ये कॉर्ड ब्रेक नहीं हो सकता। ठीक है, प्लस हाँ, थोड़े टाइम के लिए आप भूल ज़रूर सकते हैं, ये चीज़ें आपके माइंड से निकल जाती हैं कि हाँ, उनके माइंड से निकल जाएगा कि आपकी, अब जैसे राधा जी ने जब धरती पर जन्म लिया था तो उन्होंने आँखें नहीं खोली थी, उनका यही था क्योंकि उनको भाई आना था, उनको बिछड़ना था उतने टाइम पीरियड के लिए, तो सब चीज़ें डेस्टाइन थी। तो जब उनको बिछड़ना था तो उन्होंने ये कहा था, मैं उनको देखकर ही अपने आँखें खोलूँगी। ठीक है, तो ये जो चीज़ें होती हैं ये डेस्टाइंड होती हैं, है ना। तो एक अट्रैक्शन रहता है कि हाँ, वो जो सामने पर्सन है वो भी भूला रहता है कि ये लाइफ में क्या करने आए हैं, क्यों आए हैं, आपके साथ इनका क्या रिश्ता रहा है, लेकिन सोल नहीं भूलती। आप भूल सकते हैं, आपकी माइंड भूल सकती है। आज के ज़माने में लोग अपनी एनर्जी को वैसे भी बहुत डाउन कर ले रहे हैं, फ़ोन के पास रह के बहुत ज़्यादा फ़ोन देखना आपकी एनर्जी सक करता है, नेगेटिव वाइब्रेशन सेंड करता है। अब क्या देख रहे हैं उस पर भी बहुत ज़्यादा ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। अगर आप फ़ोन में बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें देख रहे हैं, किसी का मर्डर हो रहा है, कोई बैड न्यूज़ है, कुछ कहीं ना कहीं अत्याचार हो रहे हैं, या कुछ नेगेटिव सीरियल्स हैं जो आपकी वाइब्रेशन को नेगेटिव कर रहे हैं, वो चीज़ें आके आपको दिखती थोड़ी हैं, लेकिन वो चीज़ें आके आपके शरीर पे, आपके ऑरा पे चिपक जाती हैं। ठीक है, तो वैसे ही जब आप पॉजिटिव चीज़ों को सुनते हैं, पॉजिटिव वाइब्रेशंस लेते हैं अपनी लाइफ में, तो मेरे ऐसे बहुत सारे व्यूवर्स हैं, मतलब मेरे हज़ारों ऐसे व्यूवर्स रहे हैं जिन्होंने मुझे रिव्यू दिए हैं कि बात सुनने से खाली मेरी जो बातें होती हैं, या जो और भी जो होते होंगे जिनको भी आप लोग सुनते हैं, उनकी बातों को जब आप लेते हैं ना अपने अंदर, तो आपके अंदर खुद ही धीरे 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 आप देखोगे आप स्ट्रॉन्ग बनते हो, आपकी वाइब्रेशन रेज होती है, आपके ऑरा में पॉजिटिविटी आने लगती है। काफ़ी लोग ऐसे हो जाते हैं, इतने ज़्यादा अपडेट हो जाते हैं, अपग्रेड हो जाते हैं, एनर्जी इतनी ट्रांसफॉर्म हो जाती है कि आपका पर्सन आपको कॉल करता है और आप कट करने का दम रखते हो। ठीक है, तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये कैसे आता है? पॉजिटिव चीज़ों को सुनने से, देखने से, पढ़ने से। ठीक है, तो आपके पर्सन को भी ये चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं कि नहीं, मेरी लाइफ में मैं चाहे अपने आप को झोंक दूँ कहीं भी, काम में बिज़ी कर लूँ, अपने परिवार में बिज़ी कर लूँ, जानबूझ के जाकर किसी और को पकड़ लूँ, उनके साथ अफेयर कर लूँ, आपसे, आपको भूलने के लिए, आपसे दूर होने के लिए, बट झक मार के आएंगे वापस, क्योंकि इनकी जो एनर्जी है वो कहीं और डाइजेस्ट ही नहीं होगी, किसी और के साथ इनका चलेगा ही नहीं, टेम्प्रोरी एनर्जी है। तो ये हो सकता है आपके पर्सन कभी कभी आपको धोखा देते हों, चीट करते हों, तो आपको ऐसा लगता हो कि यार मेरे से तो इतना प्यार करते हैं और मैं इनसे इतना प्यार करती हूँ, बट ये बंदा या ये बंदी मेरे से दूर है। लेकिन थोड़े टाइम के बाद आप देखोगे कि ये वापस लौट कर आ रहे हैं। ठीक है, वापस आपकी तरफ खींचे चले आ रहे हैं, आपसे सॉरी बोल रहे हैं। कई लोग मेरे ऐसे व्यूअर हैं जिनकी प्रेडिक्शन में मैंने बोला था कि उनकी शादी हो गई है, उन्होंने रीडिंग ली कि उनकी शादी हो गई है, क्या वापस आएंगे? कनेक्शन के अकॉर्डिंग वो शादी के बाद वापस आए, उसके बाद उन्होंने अपने कर्मा को रिलीज़ किया और मेरे जो व्यूअर्स थे जो प्रेडिक्शन लिए थे उनसे उन्होंने शादी करी। तो
तो ऐसे ऐसे सिचुएशंस होते हैं, दीज आर द क्वालिटीज़ ऑफ सोलमेट्स और अ डिवाइन कनेक्शन, कि वो भले उस टाइम रियलाइजेशन नहीं होती है, ईगो होता है, एटीट्यूड होता है, बट जब वो चीज़ें फेस कर लेते हैं ना कि यार ये तो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, तब रियलाइजेशन के बाद ये रिटर्न आ जाते हैं। देन वी हैव गॉट इमोशनल फ्रीडम। आप में से कई सारे लोग ऐसे हैं जिनके पर्सन का ये भी मैसेज है कि ये पहली बात तो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, तो हो सकता है कि ये इमोशनल होते भी हों तो ये एक्सप्रेस ना करते हो। ये नहीं कि इनको दुख हो रहा है तो ये आपको फ़ोन करके बोलेंगे हाँ मुझे दुख हो रहा है, मुझे तुम्हारी याद आ रही है, या ऐसा है। फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा एक्सप्रेसिव होती है, मैस्कुलिन एनर्जी स्पेशली जो आपसे दूर है, रन कर रहा है, तो वो कुछ ना कुछ मैस्कुलिन पोलैरिटी उनके अंदर ज़्यादा होती है, तो उन लोग एक्सप्रेस नहीं कर पाते, उल्टा सप्रेस करते हैं, अपने अंदर दबाते जाते हैं। इसलिए आप देखोगे कि जो फेमिनिन एनर्जी है वो थोड़ी स्ट्रांग होती है, बट जो मैस्कुलिन एनर्जी होते ना उसको कोई ना कोई आप देखोगे कहीं ना कहीं उनके पेन ज़रूर होता है, बैक पेन हो या माइग्रेन हो या फिर कोई ना कोई ऐसा पेन, क्योंकि वो सप्रेस कर रहे हैं एनर्जीज़ को, उनको उन एनर्जीज़ को रिलीज़ करना है, एक्शन लेना है, बट जब वो एक्शन लेना शुरू कर देती हैं या कर देते हैं तो अपने आप चीज़ें जो हैं पॉजिटिव हो जाती हैं। और यहाँ लास्ट है लाइफ पर्पस। तो आप में से बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पर्सन को ये रियलाइजेशन हो चुका है कि हाँ मैं यहाँ पर किसी न किसी पर्पस से आई हूँ या आया हूँ। तो ये थी गाइस आज की रीडिंग। आज की रीडिंग मैंने बहुत आराम से की है और सब कुछ आपको एक्सप्लेन करके करने की कोशिश की है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, तो कमेंट में ज़रूर बताना गाइस। वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।